आपको हम ये जो दिखा रहे हैं ये विजयनगर चौराहे से किस तरह से हम आपको कानपुर की महिमा और कानपुर में जो ये सजा हुआ है दरबार, मैया जी का दरबार, और ये पूरा जो कानपुर सजा हुआ है इसमें दशहरे के लिए और नवरात्रि के लिए, जगह जगह आप देख रहे हैं ये हमारा सजा हुआ कानपुर। और कानपुर ने इस देश को बड़ी बड़ी हस्तियों से नवाजा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी भी यही कानपुर के निवासी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यहाँ निवास स्थान रहा है, और दोनों बड़ी हस्तियाँ डीएवी कॉलेज जो यहाँ से बरसों पुराना है वहाँ के प्रोडक्ट रहे हैं। माननीय श्री श्री रामनाथ कोविंद जी महामहिम डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया, वो भी इसी डीएवी कॉलेज के पढ़े हुए। ये कानपुर का सुरम्य वातावरण आप कैसे भूल सकते हैं। इस कानपुर नगर को, इस कानपुर ने जो दिया है संस्थान, कानपुर ने आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी का यहाँ बहुत बड़ा संस्थान है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और बाजीराव पेशवा का जो यहाँ मिठूर ऐतिहासिक नगरी कानपुर का ये जो ऐतिहासिक नगर है जिसकी की महिमा का बखान करते बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी थकते नहीं हैं। यहाँ पर हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री राम जी के सुपुत्र दोनों लव और कुश की नगरी मिठूर यहीं समीपस्थ है, और यहाँ का जो सुरम्य वातावरण, सुरम्य यहाँ का आईआईटी और यहाँ के इंडियन एयरफोर्स, एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहाँ की शोभा बढ़ा रही हैं। कानपुर नगर अपने आप में एक अद्वितीय शहर है जो भारत में अपना अनोखा स्थान रखता है, और कानपुर में जो ये प्रसिद्धि पाई है लाल इमली, जिसे ब्रिटिश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित था, यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग लेदर गुड्स पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्रसिद्ध फैलाए हुए है। और यहाँ का जो ये संस्थान है, कोचिंग संस्थान जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोचिंग जिन जैसे मेडिकल और आईआईटी ट्रिपल जी इत्यादि की तैयारी करने में हमारा काका देव जो बहुत ग्रीन सीनरीज लिए हुए, हरा भरा हमारा कानपुर और प्रदूषण मुक्त कह लें कि किसी समय में कानपुर नगर हमारा सारे विश्व में एक प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाता था, आज ये हमारा शहर एक अच्छे और प्रदूषण फ्री शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस समय सीएनजी से हमारे ऑटो चल रहे हैं, और यहाँ पर का जो ये हरियाली आप देखते चल रहे रोड के किनारे, ये कितना अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है। ये रोड का किनारा है, रोड के बीच की ग्रीन सीनरीज आपको लुभाती है। सारे भारतवासियों को और पूरे विश्व को मैं यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं कानपुर का निवासी संतोषी लाल कमल आप सभी को कानपुर दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ का सबसे पुराना कानपुर का स्टेशन यहाँ मौजूद है, जहाँ पर अनवरगंज और पुराना कानपुर शहर, और ये आप जो नगरी देख रहे हैं कितने भव्य बिल्डिंग, ये इस बात के प्रतीक हैं। ये हमारे ये जो हरा भरा कानपुर, यहाँ का एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर और भी प्रसिद्ध आ रहा है, और गंगा मैया की जो आरती होती है ये देखने काबिल है। आइए स्वच्छ कानपुर, स्वच्छ भारत और गंगा का ये मैदान हरा भरा, गंगा यमुना तहजीब यहाँ परिलक्षित होती है। आइए आप सभी लोगों को मैं हर हृदय की अंतस्थल से आपको कानपुर आने का
निमंत्रण देता हूँ, आइए एक बार जरूर कानपुर के दर्शन कीजिए, कानपुर की गंगा घाट का दर्शन कीजिए। हमारी गंगा नदी एक जीवित नदी के रूप में प्रमाणित है, आइए गंगा मैया के दर्शन करें और कानपुर के इस भव्य वातावरण का अवलोकन करें। आइए सुंदर सुंदर सलोना सलोना हमारा प्यारा प्यारा कानपुर, और यहाँ की जो फूलबाग चौराहा में वीरांगना झलकारी बाई की लगी हुई प्रतिमा, और नाना राव पार्क, फूलबाग, पुराना रोड का ये जो चमक धमक आप सभी को आकर्षित करती है। आइए आइए इस कानपुर दर्शन के लिए। भारत के समस्त नागरिकों को मैं कानपुरवासी होने के नाते आमंत्रित करता हूँ, ये हमारा भव्य सुंदर प्रदूषण मुक्त कानपुर, आइए आपको ले चलते हैं IIT की तरफ। और यहाँ का सुप्रसिद्ध ये श्री हनुमान जी का पनकी का मंदिर, पुराना मंदिर आपको धार्मिक स्थल के रूप में जो जाना जाता है। यहाँ का खीरेश्वर मंदिर जो यहीं से चंद किलोमीटर दूर गंगा तट पे है, और पिठोर घाट जहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती रचना की थी, वो भी यहीं से कानपुर नगर से थोड़ी दूर पर स्थित है गंगा जी के किनारे। तो इस तरह से मैं आपको गंगा जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी और गंगा जी के किनारे बसा हुआ हमारा शहर कानपुर के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं। आइए आइए इस कानपुर की एक बार जीवन में अवश्य दर्शन करें, और कानपुर को और कानपुर वासियों के लिए हमारे अनुग्रहित करें। आइए कानपुर को बार बार दर्शन करें, कानपुर के दर्शन करके लाभान्वित हों, और इन्हीं के वाणी के साथ मैं आपको पुनः कानपुर में आने के लिए बार बार आमंत्रित करता हूँ। और यहाँ आए यहीं से थोड़ी दूर पर आगरा का ताजमहल है, आप आगरे का ताजमहल देख सकते हैं, झांसी का किला है, 200 किलोमीटर लगभग दूरी है यहाँ से, और 80 किलोमीटर मात्र दूरी यहाँ से लखनऊ की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी यहीं से लगभग 200 किलोमीटर है दूर है। आप प्रयागराज के दर्शन कर सकते हैं, पौराणिक नगरी जहाँ से भगवान श्री राम का जब वन गमन हुआ था तो वहीं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में दर्शन करते हुए प्रयागराज से प्रस्थान किया था और चित्रकूट के लिए वहाँ गए थे, जो अरण्यकांड में वर्णित है, और उसी लगभग 10 वर्ष वहाँ पर उन्होंने व्यतीत किए थे। चित्रकूट भी यहीं से नज़दीक है, आइए आप कानपुर के दर्शन से लाभान्वित हों, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ये अनुमान है कि आप ये दर्शन देख करके बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बीच वाला दबा दें लाला। हाँ।